नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर जिसका नाम है न्यूज पॉलिटिक्स एंड टेक। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ह्यूंडई वर्ना वर्सेस मारुति सुजुकी सियाज के बारे में। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इन दोनों के कलर्स के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं पहले इनके स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पे आपको इंजन जो है वो वर्ना में मिलता है 1582 सीसी का, और यहाँ पे आपको फ्यूल टाइप इसमें मिल जाता है डीजल, अगर आप चाहें तो इसमें पेट्रोल भी ले सकते हैं। वहीं आपको मारुति सुजुकी सियाज का मिल जाता है 1248 सीसी का इंजन और इसका फ्यूल टाइप है डीजल। सो मैक्स पावर जो है वो यहाँ पे ह्यूंडई का आपको मिल जाता है 126 bhp और मैक्स टॉर्क 260 न्यूटन मीटर। वहीं आपको मारुति सियाज का मिल जाता है 89 bhp का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पे माइलेज जो है वो 25 किलोमीटर पर लीटर का आपको वर्ना में मिलता है और सियाज में 28 किलोमीटर पर लीटर का। यहाँ पे नंबर ऑफ गियर्स वर्ना में 6 दिए गए हैं और ट्रांसमिशन टाइप इसका मैनुअल है। वहीं आपको सियाज में मिल जाते हैं 5 गियर और ट्रांसमिशन टाइप इसका भी मैनुअल है। ब्रेक एंड स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक टाइप जो है वो और रियर ब्रेक टाइप दोनों ही गाड़ियों में डिस्क और ड्रम मिलता है। और वहीं आपको मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स मिलता है वरना में, वहीं आपको मारुति की सियाज में आपको मिल जाता है 5.4 मीटर्स। यहाँ पे व्हील्स एंड टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हील्स जो है वो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील का। सो अगर हम कैपेसिटी की अगर यहाँ पे बात करते तो बूट स्पेस जो है वो वरना में 465 लीटर्स की दी गई है, वेयर एज फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 45 लीटर्स की। यहाँ पे मारुति की सियाज में आपको मिल जाती है 510 की बूट स्पेस और यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 43 लीटर्स की। सो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ह्यूंडई वर्ना का है 165 mm, कर्व वेट है इसका 1230 kg। वहीं आपको मारुति सुजुकी सियाज का मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट इसका मिल जाता है 1130 kg। सो ये तो था दोस्तों इसके फीचर्स के इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आपको एयर बैग जो है वो ह्यूंडई वर्ना में 6 मिलते हैं और वेयर एज आप सुजुकी सियाज में मिल जाते हैं 2 ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। सो ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में ABS और EBD मिल जाता है और लॉक्स एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है। सो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर जो है वो दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और रियर एसी जो है वो दोनों में दिया गया है, वेंट्स टाइप उसका एसी है। और वहीं आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स भी मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में फ्रंट रो में। और यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ड्राइवर्स के लिए टिल्ट दिया गया है, कीलेस स्टार्ट बटन स्टार्ट भी दिया गया है, क्रूज कंट्रोल जो है वो वरना में दिया गया है पर सियाज में नहीं दिया गया है। यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो आपको रियर के लिए मिल जाते हैं और रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। वेराज अगर हम फर्दर मोर और बात करते हैं इस बारे में तो आपको यहाँ पे सीट एंड अपोस्ट्री में दोनों ही गाड़ियों में सीट का मटेरियल मिलता है लेदर का और आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप का मिलता है वरना में और गियर नॉब भी लेदर रैप का मिल जाता है। तो वहीं आपको सियाज में स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप का मिल जाता है पर आपको गियर नॉब लेदर रैप का नहीं मिलता। सो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो है मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट है दोनों ही गाड़ियों में और फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ मैनुअल दिया गया है। रियर पैसेंजर सीट जो है वो बेंच टाइप आपको मिल जाती है और यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन जो है वो आपको वरना में मिलता है वेयर एज सियाज में नहीं मिलता। सो इंटीरियर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन मिल जाता है वरना में जो कि मिलता है आपको बेज एंड ब्लैक और वहीं आपको सियाज में मिल जाते हैं सिंगल टोन जो कि है सिर्फ ब्लैक। सो दोस्तों अगर हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सनरूफ मूनरूफ जो है वो आपको वरना में मिल जाता है वेयर एज सियाज में ये अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम मेन फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडैश विंग सिस्टम मिल जाता है दोनों गाड़ियों में जिसका हाइड रहता है 2D। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले इसमें मिल जाता है वरना में, वेराज आपको सुजुकी सियाज में आपको मिल जाता है LCD डिस्प्ले। यहाँ पे आपको GPS नेविगेशन मिल जाता है दोनों गाड़ियों में, USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑस कनेक्टिविटी मिल जाती है, MP3 प्लेबैक मिल जाता है, CD प्लेयर मिल जाता है, FM AM रेडियो मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सियाज में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है तो वो ये है कि आपको वॉइस कमांड मिल जाता है और वहीं आपको वरना में एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि सियाज में नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के बारे में तो यहाँ पे ह्यूंडई जो है वो आपको वरना के सारे ही वेरिएंट्स के लिए 3 साल तक की वारंटी देती है और किलोमीटर्स में अनलिमिटेड। सो वहीं अगर हम बात करते हैं मारुति सुजुकी सियाज के बारे में तो मारुति अपने सियाज के सारे ही वेरिएंट्स के लिए 2 साल तक की वारंटी देती है और किलोमीटर्स में 40,000 तक की। सो कलर्स जो अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वरना में थंडर ब्लैक, स्टार डस्ट, सियाना ब्राउन, फायरी रेड, फ्लेम ऑरेंज और स्लीक सिल्वर प्लस पोलर व्हाइट मिल जाता है। दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग कलर है वो है पोलर व्हाइट और सियाना ब्राउन। सो अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी सियाज के कलर्स के बारे में। यहाँ पे आपको पर्ल मिडनाइट ब्लैक, नेक्सा ब्लू, मेटालिक ग्लिस्टरिंग ग्रे, पर्ल मेटालिक डिग्निटी ब्राउन, पर्ल सेंग्रिया रेड, मेटालिक सिल्की सिल्वर और पर्ल स्नो व्हाइट मिल जाता है। इनमें सबसे ज्यादा कलर बिकता है वो है पर्ल स्नो व्हाइट, मेटालिक सिल्की सिल्वर और पर्ल मेटालिक डिग्निटी ब्राउन। दोस्तों अगर आप ये इन दोनों में से कोई सी भी एक कार खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वरना में ऑप्शन ले, क्योंकि वरना में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। भले इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है सियाज से पर इसका बिल्ड क्वालिटी और इसमें काफी कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि
PCR से बहुत ज्यादा अच्छे दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ, मूनरूफ और इसका पावर जो कि ऑलमोस्ट 1600 सीसी है और इसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट्स में भी काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, स्टे अमेज्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।